ना थके हैं कभी पैर, ना कभी हिम्मत हारी है, जज्बा है कुछ बनने का जिंदगी में, इसलिए सफ़र जारी है। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। भूगोल की इम्पोर्टेंट श्रृंखला में एक बार फिर आपका स्वागत है और आज हम आपकी सेकंड बुक के दो चैप्टर और सल्टा देंगे। फटाफट सीरीज में मानव बस्तियां, भू संसाधन और कृषि और कुछ साथ में कुछ तथ्यात्मक बात भी कर लेंगे। अब आपको कुछ भी नया करने की ज़रूरत नहीं है, नए के लफड़े में मत पड़ना। जो आपने अब तक तैयार किया है उसमें से जो मेन देखना है उन्हीं की तरफ अब आपको आगे बढ़ना है। आज एक सीरीज अब हो रही है और एक आज और हो जाएगी और उसके साथ अपना ये जो MCQ का इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का जो रिवीजन है ये भी कंप्लीट कर लेंगे और कल सुबह फिर मैं आपके सामने बात करने के लिए उपस्थित रहूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। आप भी साथ में जल्दी जल्दी फटाफट रिवीजन स्टार्ट कीजिए। अपना मिशन अब की बार 90 पार। एक बच्चे ने ये लिखा, सर घबराहट हो रही है। अरे काहे की घबराहट, ये एग्ज़ाम का त्यौहार है और त्यौहार में सिर्फ खुशियां होती है, कोई घबराहट टेंशन कुछ नहीं। जब आप ये सोच सकते हो भी सर डर लग रहा है, क्या पता याद है कि नहीं है, क्या पता मेरे याद रहेगा, क्या पता कैसा पेपर आएगा, क्या होगा, अरे इतना कुछ ऊट पटांग सोच सकते हो। एक बात ये नहीं सोच सकते भी जो मैं पढ़ कर जाऊँगा वही पेपर में आएगा, मेरे सब कुछ याद है और मैं अच्छे से उत्तर लिख के आऊँगा और मुझे कोई घबराहट नहीं है। अंदर पॉजिटिव संदेश भेजिएगा, ये समय सिर्फ पॉजिटिव संदेश भेजने का है, पॉजिटिव थॉट का है, न कि घबराने का। जीत जाएंगे हम, मन में विश्वास रखिएगा। अब की बार 90 पार, मिशन पूरा होगा आपका। आपको ईमानदारी से बस अपना काम करके आना है, बिना कुछ नेगेटिविटी। अरे क्या कर लोगे अब टेंशन लेके, क्या कर लोगे टेंशन लेकर, सिर्फ ये सोचना है भी मैं कर सकता हूँ। सोचिएगा, अपने आप को कहिएगा आई एम द बेस्ट, खुद को कहिएगा आप आई एम द बेस्ट और मैं कहता हूँ यू आर द बेस्ट। आप मंडे को जब एग्ज़ाम दे रहे होंगे उस टाइम आपका नॉलेज मेरे से कहीं हज़ार गुना ज़्यादा होगा। एक स्टूडेंट का नॉलेज परीक्षा के दिन अपने टीचर से कहीं ज़्यादा हो जाता है। ये होगा आपके साथ, आपको प्राउड फील होगा खुद के ऊपर। तो हौसला नहीं छोड़ना है, सब कुछ याद है आपके, किसी प्रकार की डर घबराहट की आवश्यकता नहीं है। चलिए स्टार्ट करें आज का पहला प्रश्न। प्रश्न है कि भारत की जनगणना नगरों को कितने वर्गों में वर्गीकृत करती है। भारत की जनगणना नगरों को कितने वर्गों में बांटती है, 2, 4, 6, 8 कितना है? आपको पता है 6 वर्ग है, 5000 से कम, 5 से 9900 वाले वो याद होंगे अच्छे से। तो उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन 3। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा नगर नदी तट पर अवस्थित नहीं है? आगरा है भी नदी पर, पटना है, कोलकाता है, कौन सा नहीं है? भोपाल नहीं है भाई। अगला प्रश्न, फटाफट भारत की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन सी एक विशेषता नगर की परिभाषा का अंग नहीं है? गलत है जो, ध्यान रखिए कि बहुत प्यारी बातें हैं। जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो, नगरपालिका नगर निगम हो, जनसंख्या का आकार भी 5000 से अधिक हो, 75% से अधिक जनसंख्या का प्राथमिक खंड से संलग्न हो, नहीं प्राथमिक खंड से संलग्न नहीं होना चाहिए, ये तो ये गलत बात है इसकी। अगला प्रश्न देखिएगा, क्या निम्न में से किस पर्यावरण में प्रक्षिप्त ग्रामीण बस्तियों की अपेक्षा नहीं की जा सकती? प्रक्षिप्त ग्रामीण बस्तियों की अपेक्षा कहाँ नहीं की जा सकती? देखिए ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। प्रक्षिप्त बस्तियाँ, प्रक्षिप्त कौन सी होती है? डिस्प्रेस्ड, एकांकी बस्तियाँ जो दूर दूर हो, हिमालय की निचली घाटियों में मिल जाएगी, राजस्थान के शुष्क अर्ध शुष्क प्रदेश में मिल सकती है, उत्तर पूर्व के वन और पहाड़ियों के अंदर मिल सकती है। तो कहाँ, गंगा के जलोढ़ मैदानों में नहीं मिलेगी, यहाँ पर तो बहुत आपको सहत गुच्छित बस्तियाँ मिलेगी भी यहाँ पर तो। अगला प्रश्न है, पांचवा प्रश्न, क्या निम्न में से नगरों का कौन सा वर्ग अपना पदानुक्रम के अनुसार क्रमबद्ध है? ये बताना है भी कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, उस हिसाब से। ये आपके पाठ्य पुस्तक में भी थोड़ा सा ऊटपटांग करके दिया हुआ था तो यहाँ सही करके ही दिया हुआ है। तो देखिए कौन सा होगा, अच्छे से याद रख लीजिएगा, नहीं भी है तब भी कोई दिक्कत नहीं है।
भी पहले ब्रेन मुंबई, फिर दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, और इस क्रम में आपको इसको अच्छे से याद रखना है भी किसकी पॉपुलेशन है, क्या है, पॉपुलेशन का हिसाब रखते हुए है ये क्रम, तो ये क्रम आप याद रख लीजिएगा। पिलानी नगर का संबंध है, पिलानी किसके लिए जाना जाता है, सीधी सी बात है, पिलानी, पिलानी कहाँ है, राजस्थान के झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट के अंदर है भी पिलानी, तो किसके लिए जाना जाता है, पढ़ाई के लिए फेमस रहा है भी हमेशा। अगला प्रश्न है सातवां, देखिए, बस्तियों में लोगों के समूहन का मुख्य आधार क्या होता है, जल आधार, कृषि आधार, औद्योगिक आधार, पोषण आधार, न्यूट्रिशन, तो कौन सा है, बिल्कुल सही, पोषण आधार रहता है बस्तियों का मुख्य आधार जो है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्या नगला क्या है, नगला क्या है, नगला एक उद्योग है, एक वस्त्र है, पर्यटन क्षेत्र है, या पल्ली बस्तियों का स्थानीय नाम है, बिल्कुल अच्छे से आपको याद है, ये तो पल्ली बस्तियों का स्थानीय नाम है, याद रख लेना सारे वो, एक तो क्या है पल्ली बस्तियों का स्थानीय नाम, पान्ना है, एक पाड्डा है, एक पाली है, एक नगला जो अभी आ गया, और एक ढाणी है, हमारी साइड में ढाणी बोलते हैं, तो पल्ली बस्तियों के स्थानीय नाम पूछ लिए जाते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में गुच्छित बस्तियों की स्थिति हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक कौन सा है, भी गुच्छित बस्तियां मिले इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, जातिगत संरचना, जलवायु, भूभाग की प्रकृति, या जलीय संसाधनों की उपलब्धता, तो दूसरा आपको पता है पश्चिमी राजस्थान में तो पानी चाहिए भाई, अगर पानी की समस्या सोल्व हो जाए तो खूब गुच्छित बस्तियाँ वहाँ पर बस जाएगी। अगला प्रश्न है कि कौन सा भारतीय नगर गैरिसन नगर की श्रेणी में नहीं आता, गैरिसन नगर किसको बोलते हैं, छावनी, जहां आर्मी की छावनियां बनी हुई होती है, और इसमें अंबाला है, जालंधर है, महू है, बबीना है, उधमपुर है, ये आपको पता है, आपने पढ़ी है आपके सिलेबस के अंदर, इसमें से कौन सी नहीं है ये बतानी है, तो कौन सी नहीं है भाई, अजमेर में नहीं है गैरिसन नगर, नहीं है अजमेर है वो, गैरिसन नगर नहीं है। अगला प्रश्न है क्या भूपयोग संबंधी अभिलेख कौन सा विभाग तैयार करता है, कौन सा करता है भी डिपार्टमेंट, बिल्कुल सही, भू राजस्व विभाग करता है भी, भू राजस्व विभाग करता है इसको तैयार। अगला प्रश्न है भू राजस्व विभाग ने भूमि को उपयोगिता के आधार पर कितने वर्गों में बांटा है, कितना प्यारा प्रश्न है भू राजस्व विभाग ने उपयोगिता के आधार पर कितने वर्गों में बांटा है भाई, बिल्कुल सही, 9 वर्गों में बांटा है, और 9 वर्ग तीसरा अर्थात सह ऑप्शन में है। अगला प्रश्न है कि एक से अधिक किंतु 5 वर्ष से कम समय तक कृषि रहित भूमि क्या कहलाती है, एक वर्ष से अधिक किंतु 5 वर्षों से कम समय के लिए जो कृषि रहित रहती है उसको क्या कहते हैं भाई, गौर से कीजिए, ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं, बिल्कुल सही, पुरातन प्रतिभूमि, फैलो आधार देन करंट फैलो, पुरातन प्रतिभूमि है। और अगर आ जाए वर्तमान प्रतिभूमि, तो आपको पता है वो भूमि जो एक कृषि वर्ष या उससे कम समय तक कृषि रहती है उसे वर्तमान प्रतिभूमि कहते हैं, और 5 वर्ष से कम लेकिन 1 वर्ष से ज़्यादा होती है तो उसे पुरातन प्रतिभूमि कहा जाता है। और क्यों छोड़ते हैं प्रतिभूमि, उसका जमीन का उपजाऊपन बढ़ाने के लिए। निम्न में से कौन सा भू उपयोग संवर्ग नहीं है, 9 संवर्ग आपको अच्छे से याद है ना, वनों के अधीन क्षेत्र, बंजर व्यर्थ भूमि, गैर कृषि कार्यों प्रयुक्त भूमि, स्थाई चारागाह, विविध तरु फसलें, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, वर्तमान प्रतिभूमि, पुरातन प्रतिभूमि, निवल बोया गया क्षेत्र, नेट एरिया शोवन, ये 9 हैं, इनमें से कौन सा नहीं है ये यहाँ पर बताना है। आपको पता है कौन सा नहीं आता, सीमांत भूमि शब्द है वो इसके अंदर नहीं आता 9 के अंदर। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से उत्तरी भारत में रबी की फसल नहीं है, उत्तरी भारत में रबी की फसल कौन सी नहीं है, गेहूं, चना, जो ये रबी की फसल है, लेकिन कौन सा नहीं है, चावल नहीं है उत्तरी भारत में, और दक्षिण भारत में आपको पता है एनी टाइम चावल उगाया जाता है। निम्न में से कौन सी रबी की फसल है, रबी खरीफ वाली फसलों को जरूर आप थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा, जरूर प्रश्न आने की संभावना रहती है। निम्न में से कौन सी रबी की फसल है, चावल, कपास, मक्का या गेहूँ, कौन सा होगा, बिल्कुल रबी की फसल कौन सी है, गेहूँ की है, बाकी कौन सी है फिर यहाँ पर, रबी की फसल याद होगी, बाकी ये कौन सी है भाई, ये खरीफ वाली बच गई। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन सा सिंचित क्षेत्रों में भू निम्नीकरण का मुख्य प्रकार है, भू निम्नीकरण का मुख्य प्रकार कौन सा है, मृदा लवणता। अगला प्रश्न देखिएगा, शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है, शुष्क कृषि, पानी नहीं है भी वहां पर, तो रागी, जवार, मूंगफली या गन्ना, अरे भाई कौन सा होगा इसका सही उत्तर,
गन्ना आपको पता है, गन्ना तो पानी पानी मांगता है भाई, ये शुष्क कृषि वाली फसलें हैं तो गन्ना नहीं बोएंगे उस टाइम। अगला प्रश्न देखिएगा, कौन से देशों में गेहूं और चावल की अधिक उत्पादकता की किस्में विकसित की गई। हरित क्रांति याद है ना, हरित क्रांति जब पंजाब हरियाणा और पश्चिमी यूपी के अंदर जो हरित क्रांति है वो ज़्यादा पनपी, तो हम गेहूं और चावल के बीज लेके आए थे बाहर के देशों से, तो वो कहाँ से लाए थे हम। गेहूँ है वो मैक्सिको से और चावल फिलीपींस से, यानी मैक्सिको और फिलीपींस से हम अच्छी वैरायटियाँ लेकर आए और अपने यहाँ देश में लगाई थी, और तब खाद्यान्न के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर हो सके थे। अगला प्रश्न है, चावल एक फसल है उष्ण कटिबंधीय, उष्ण आर्द्र कटिबंधीय, शीतोष्ण, ये ऑप्शन आपके सामने लिखे हैं, बताइए चावल किस प्रकार की फसल है। गौर से कीजिएगा, सीधा थोड़ा सा ध्यान देते हुए, उष्ण आर्द्र कटिबंधीय फसल है ये, उष्ण आर्द्र कटिबंधीय फसल है। एक प्रश्न बार बार बच्चों से पूछा, बच्चों द्वारा पूछा जा रहा था कि सर कॉफी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, भी सातवां दें या आठवां दें, क्या किताब में दोनों ही दिए हैं। सही है, जहां डिटेल दी गई है वहां पर आठवां, और पीछे जो टेबल जोड़ दी गई है वहां पर सातवां दिया है। तो आपको बताना चाहूंगा मैं बच्चों को, 2017 के अनुसार तो आठवां स्थान है, और 2019 और 20 के जो आंकड़े आए थे अलग अलग संस्थाओं द्वारा उसमें सातवां स्थान है। तो कॉफी में भारत का आठवां और सातवां दोनों ही बात है। अगर ध्यान दीजिए, अगर आपका ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है भी कॉफी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, सातवां और आठवें में से एक आता है तब तो दिक्कत है नहीं, अगर सातवां और आठवां दोनों आ जाए तो आपका जो मन करे वो कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, सातवां कर देना चाहिए आठवां कर देना, क्योंकि ऐसा आया तो तुरंत बोर्ड को हम लिखित में सूचना दे देंगे भी ये इस प्रश्न के दो उत्तर बनते हैं और दोनों सही माने जाए। तो जिस टीचर के पास कॉपी जांचने के लिए जाती है वो अपने आप उसके पास एक बोर्ड सूचना भेज देता है भी इसके दो उत्तर सही है, दोनों सही माने जाए। ध्यान रख लीजिएगा इस बात को, आपकी किताब में कई पॉइंट ऐसे हैं जहाँ जैसे मेगा सिटी को लेकर हो गया अभी 25 है, और जैसे पीछे कहा भी कि सर 31 की लिस्ट है, आपने कभी 31 का 25 अगर आ जाता है और आप कोई भी इसमें से करके आते हो कोई दिक्कत नहीं। इस प्रकार की सूचना है वो जैसे ही पेपर होता है हम टीचर्स उसको देखते हैं, आप बच्चों के माध्यम से हम खुद बोर्ड को लेटर भेज देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ कोई कन्फ्यूजन होगा वहाँ ध्यान रखिएगा, हमेशा स्टूडेंट को लाभ मिलेगा, स्टूडेंट के हित में ही बोर्ड है वो डिसीजन लेता है, तो कोई घबराहट की आवश्यकता नहीं है भी यार तू बता क्या करेंगे या को कुछ मत घबराइए। अब जो आप करके आओगे ना, जो आप करके आओगे वो बेस्ट है, और आपसे बेस्ट अब कोई नहीं है, यू आर द बेस्ट। और अपने आप से कहिएगा आई एम द बेस्ट, मैं अपने सपने पूरे करके रहूँगा, मुझे किसी प्रकार का भय नहीं है। और ध्यान दीजिएगा, मैं आपको कहना चाहूँगा रेस्ट जरूर कीजिएगा, कहीं ये नहीं हो पागलों की तरह पूरे दिन रात पढ़ते रहो, नींद नहीं आ रही दिन में, तब भी आपको क्या करना है, आई रेस्ट करना है, ER आई रेस्ट, यानी आँख बंद करके चारपाई पर पड़ जाना 10 मिनट 15 मिनट, फिर पढ़ लेना, फिर रेस्ट, बीच बीच में ER जरूरी है, आई रेस्ट बहुत जरूरी है, घंटा आधा घंटा दो घंटा नींद भी लो तो और अच्छी बात है, नींद नहीं आए तो आँख बंद करके रेस्ट जरूर कीजिएगा, क्योंकि शारीरिक रूप से स्वस्थ होना जरूरी है। आप स्वस्थ रहोगे तभी तो अच्छा कर पाओगे, जितना कर लिया बहुत कर लिया, बस थोड़ा थोड़ा करते, अब बस ज़्यादा किताबों से अब थोड़ा थोड़ा दूरी बनाते जाना है। अब आपको टेंशन किसी प्रकार की चीज़ आप अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे, ER जरूर कीजिएगा, बार बार कहूँ आई रेस्ट जरूर कीजिएगा, नींद पूरी जरूर कीजिएगा, 7-8 घंटे नींद आपकी हो जानी चाहिए, कम से कम रात को आपको 7 घंटे सोना ही सोना है, और 1 घंटा कम से कम दिन में रेस्ट करना है, 7-8, 8 के 9 घंटे भी सोओगे तब भी बल्ले बल्ले है, कोई दिक्कत नहीं है, 10 सो लेना चाहिए अब कोई दिक्कत नहीं है। मानसिक रूप से स्वस्थ रहना जरूरी है, क्योंकि हम अपनी जीत के करीब है, मंडे अपना होगा। और अब मैं एक चीज़ आपको शुभकामनाएं देने भूल गया, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, आज अपने हिंदी महीनों के अनुसार नववर्ष है, आप सब साथियों को बच्चों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, हिंदी महीनों के अनुसार नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज से नवरात्रा भी जो स्टार्ट है वो हो गए हैं, तो आप सबको हैप्पी नवरात्रा। देखिए माता रानी आ गई है, नया साल आ गया है,
और इसी प्रकार नया सोमवार भी झूम के आ रहा है आपके लिए। मस्ती में झूमिएगा, गाइएगा और इस एग्जाम त्योहार का आनंद लीजिएगा। चलिएगा, शाम को फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, जय भारत।